भाई इसका नाम मच्छर है। अरे तू आने दे यार। तेरा नाम क्या है ये बता। मेरा तेरा नाम मच्छर है। हाँ भाई का नाम मच्छर है। भाई देखो नाम तो सूरज है लेकिन बुलाने अच्छा, अभी दशहरे आज दशहरे पे तूने क्या लगाया था? आइसक्रीम क्रीम बेल का है वो रिफार्म ने। अच्छा वो तेरी रेडी है। हाँ मैंने देखा तू बीड़ी पी रहा था ये बैठ के। बीड़ी कमाल कर रहे यार भाई। मेहनत से खाते मेहनत से चलते किसी से लड़ाई दंगा भी नहीं करते हम तो मेहनत से। ये हमारी स्पेशल गाड़ी है। इसमें बच्चे झूलते ऐसे ऐसे भी करते ऐसे ऐसे भी करते इसमें बच्चे। मजा आता है आपको बच्चों को देख के? बच्चे भी मजे करता तो मैं भी झूलो बच्चे ऐसे बच्चे। तो दोस्तों दशहरा तो अब खत्म हो चुका है लेकिन आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे जो ये रोड है इस रोड पर बहुत ही चहल पहल है क्योंकि यहाँ पूरा मार्केट लगा हुआ है। तो अब हम बातचीत करते हैं कुछ जो व्यापारी लोगों से कि इस दशहरे के पर्व से उन लोगों को क्या फायदा होता है उन लोगों का क्या बेनिफिट होता है। दोस्तों त्यौहार का दिन है जैसा कि आपने देखा होगा बहुत ही भारी मात्रा में लोग एकत्रित हुए हैं। तो ये हमारे साथ एक भाई साहब है जो कि मेवाड़ प्रेम आइसक्रीम जो बेच रहे हैं। तो इनसे पूछते हैं कि त्यौहार का इनको कितना फायदा हुआ है। नमस्ते भैया जी, नाम क्या आपका? श्यामलाल जी। बाकी दिन से और आज त्यौहार वाले दिन में आपको क्या अनुभव लगा, मतलब आज क्या आपको लगा? नहीं आज बढ़िया काम हुआ डबल रोज से पहले का काम से बढ़िया हुआ। पहले से काम दो गुना फालतू हुआ। दो गुना फालतू दो तीन गुना क्यों पब्लिक अच्छी होती मेला अच्छा लगता है इसी को मेला अच्छा लगता। तो ये एक हमें भैया जी मिले हैं जो वादीलाल आइसक्रीम वादीलाल आइसक्रीम यहाँ दशहरे के मेले में सेल कर रहे हैं। तो इनसे पूछते हैं इनका बिजनेस आज कैसा रहा। भैया जी आपका नाम क्या? जी भरत। कहाँ से हो? यूपी गोंडा। आज कैसा रहा आपका काम? आज बढ़िया रहा काम बढ़िया निकला है। पहले वाले दिन से अच्छा? पहले वाले दिन से बहुत बढ़िया था। 2000 रुपए तक हो जाएगा। अच्छा मतलब पहले कितना? पहले 500-600 रुपए बस। मतलब आज तीन गुना बढ़ गया। तो दोस्तों अभी हम मार्केट कवर करके इन भैया जी के पास पहुंचे हैं। इनसे पूछते हैं कि ये जो त्योहार का सीजन है इस सीजन से इनको कितना बेनिफिट हुआ है। भैया जी आपका नाम क्या? मेरा नाम शिव कुमार है। शिव कहाँ से हो? ये वैसे तो हम यूपी के हैं यहाँ। मतलब कितने टाइम से कर रहे हो आप ये काम? मेरे ये दूसरी साल है। अच्छा दूसरा साल। तो मतलब पूरा रामलीला का लगाया था आपने? नहीं बस तीन दिन लास्ट। तो कैसा रहा आज का काम? आज का काम अच्छा रहा। दो दिन कमजोर रहा आज का अच्छा रहा। आज आप बहुत ज़्यादा संख्या में लोग आए थे बहुत अच्छा। तो कितना परसेंट आपका जो सामान है सेल हो गया? तकरीबन हो गया 50-60% हो गया। इसके अलावा कोई और जरिया कमाई का आपका? हाँ कौन सा? मैं पेड़ पौधे बेचता हूँ माली। अच्छा वो नर्सरी में? हाँ जी। अच्छा वो करते हो तो मतलब आपको लगा ये सीजन अच्छा है मतलब लोग भीड़ इकट्ठी होएगी तो इसलिए जो ये सामान है आप बेच रहे हो। हाँ जी। कितने आप कितने लोग हैं मतलब बेचने वाले? हम वैसे तो दो ही हैं वो अभी गांव से आए हैं तो अभी मेरे साले साहब हैं तो अपने उसी में अच्छा। दिन दिहाड़ी दे देते हैं तो उनका भी काम हो जाता है अपना भी हो जाता है। तो मतलब कितने का सामान लगाए हो आप टोटल? अभी कम से कम नहीं तो मेरे पास मैंने 50-60 हज़ार का माल डलाया था। लगाया था? हाँ अभी मतलब भी टोटल तीन दिन का जो सामान लेके आया था। हाँ अभी भी कम से कम नहीं तो 20-30 हज़ार का तो पड़ा है बाकी का ख़त्म हो गया। हाँ बाकी हैं। ये भैया जी पॉपकॉर्न बेच रहे हैं तो इनसे पूछते हैं दशहरे का जो त्यौहार है इनके लिए कितना फ़ायदेमंद हुआ। क्या चल रहा है काम? सही चल रहा है। सही चल रहा है। आज कितना फायदा हुआ मतलब आज दशहरे के दिन पे कितना काम हुआ आपका? अब देखो मालूम पड़े अभी तो मालूम नहीं है मतलब। अच्छा। सही फायदा हुआ होगा दुगना मतलब कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट हुआ। कस्टमर ज्यादा है? हाँ कस्टमर ज्यादा है। तो हमारे साथ ये भी हैं पेटीज वाले भैया तो इनसे पूछते हैं कि ये जो दशहरे का त्यौहार है इस त्यौहार में इनको कितना फायदा हुआ। नमस्ते भैया, नाम क्या आपका? रामेश्वर सिंह। तो आप क्या बेच रहे हैं? पेटीज। कितने टाइम से बेच रहे हैं आप? हाँ जी। अब ये बताइए कि बाकी दिन और आज के दिन में आपके काम में कितना प्रॉफिट हुआ? बहुत प्रॉफिट हुआ है। तो इनसे आप भी सेम काम कर रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल। कितना लगा कितना कस्टमर बढ़ा आज? आज तो बहुत बढ़ गया हमने। कितना बहुत? कितना? दो गुना तीन गुना चार गुना? दो गुना बढ़ गया। दो गुना बढ़ गया। हाँ जी। आप भी कुछ लगाते हैं भैया दशहरे में? नींबू पानी लगाते हैं दशहरे बड़े भाई। आपको क्या लगा पहले ऐसे आज के दिन में भाई? और दिन 1000 की आय करती आज 3000 की करी है। बहुत बढ़िया मुबारक हो। आपने क्या लगाया भैया? भाई पेस्ट्री लगाई मैंने। नहीं पहली बार लगाई। क्या सा रिस्पॉन्स रहा? अच्छा रहा। बची हुई है देख रहा हूँ मैं। बस थोड़ा बचा हुआ है माल। बहुत ही अच्छा रहा है। आजा। भाई इसका नाम मच्छर है। अरे तू आने दे यार। तेरा नाम क्या है ये बता। अरे इधर तो हाँ भाई तेरा नाम क्या? नाम सूरज कुमार दुबे है भाई। कहाँ से है? लखनऊ से। लखनऊ तो यहाँ रोहतक में कितने टाइम से हो? रोहतक हो गए भाई 8 साल से। अच्छा बहुत ही इनके पास मस्त आइडिया है क्योंकि इस भाई साहब ने इन दोनों का काम शुरू करवाया। तो पहले अपना आइडिया कहाँ से आया ये?
आइडिया एक पता क्या, एक भैया जिसे ये बनाते थे सिंपल आलू की पेड़ी बनाते थे। हाँ। तो एक बार हम गए थे वहाँ, क्या नाम, मथुरा। हाँ, मथुरा गया। मथुरा गया था तो वहाँ एक पेटीज वाला था, तो ऐसे सिंपल पेटीज का काउंटर रख के ना बिजली का, वो दुकान के अंदर बना के देता था। अच्छा, प्याज प्याज, प्याज डालता था और नींबू और सॉस का एक पाउच देता था। अच्छा, तो हमने सोचा कि जैसे सॉस की और प्याज नमकीन ऊपर फिर डाल के नींबू डाल के दें। अच्छा, तो फिर ऐसे एक जानकारी बढ़ गई। नॉर्मल पेटीज तो मतलब दुकानों पर 10 रुपए की बिक्री है। हाँ, तो आप भी 10 की दे रहे हो। 10 की भी ले दे रहे हैं, हमारे कस्टमर बने। बाकी अगर आपको पेटीज खानी होगी नंबर एक की, हाँ, तो मैं पावर हाउस पे लगाता हूँ। अच्छा, 10 रुपए में प्याज नमकीन सॉस मोमोज वाली चटनी होती व्हाइट वाली, हाँ, पैकेट की वो मेयोनीज। हाँ, मेयोनीज भाई, वो डाल के 10 रुपए में देता हूँ, साथ में नैपकिन, वहाँ बैठने की व्यवस्था मात्र 10 रुपए। पावर हाउस पे पहुंचोगे ना सीधा उस पावर हाउस के एकदम बिल्कुल सामने, मच्छर नाम पूछ लेना। भाई बहुत चला गया, भाई ने मार्केटिंग कर ली अपनी। हाँ, मच्छर मच्छर नाम है भाई, किसी पूछ लेना पावर हाउस। हाँ, मेरा तेरा नाम मच्छर है। हाँ, भाई का नाम मच्छर है भाई, देखो नाम तो सूरज है लेकिन। अच्छा, अभी तो आज दशहरे में तूने क्या लगाया था? आइसक्रीम, क्रीम बेल कहाँ है? अच्छा, वो तेरी रेडी है। हाँ, मैंने देखा तू बीड़ी पी रहा था बैठ के। बीड़ी कमाल कर रहा है। तो दशहरे की यात्रा करते हुए हम पहुंचे हैं होरीलाल जी के पास। अब ये बताओ कि यहाँ कितने टाइम से हो आप? यहाँ मुझे 3 महीने हो इस जगह पे, इसी जगह पुरानी आईटी के अंदर 3 महीने हो। पिछले 10 दिनों से ये प्रोग्राम चल रहा है रामलीला का। 10 दिन के प्रोग्राम में मतलब आपको कैसा लगा, क्या फ़ायदा हुआ आपको, मतलब कुछ ना कुछ? वैसे फ़ायदा तो पड़ता है, चलते फिरते आने वाले बच्चे झूला जाते हैं, झूले तो बड़े झूले ज़्यादा चलते हैं इसमें। अच्छा, छोटे झूले सामने लग रहे जैसे, ये बड़े बड़े झूले 20 सीटर का झूला, ये 60 फुट का किस्त, ये 60 फुट का नाव है। अच्छा, ये 60 फुट का नाव है, ये बड़ी किस्ती है, ये बड़ा मौत का कुआ इसमें। तो इनकी कमाई ज़्यादा होती है? इसकी कमाई ज़्यादा है, इसमें तो ऐसे छोटे बच्चे, कम बच्चे, छोटे बच्चे आते हैं। अरे जी छोटे, अरे भैया कितने में झुला हुए? भाई साहब 10 रुपये। अरे 5 रुपये ले लो यार। अच्छा, यूँ कहते हैं तो हमें मजबूरी में भाई हमें झुलाना पड़ता है, क्योंकि हम बड़ी दूर से आते हैं, पेट के खातिर आते, छोटे छोटे बच्चे हैं, इसके लिए हम आते हैं। पर कोई हमारे सुनता नहीं है कि भाई ये गरीब आदमी के चलो ये झुला रहा है तो ले भाई 20 रुपये ले, 20 रुपये झुला। यूँ कहते अरे कितने चक्कर दिए तुमने? इसने 10 चक्कर। अरे इसे तो 2 ही चक्कर हुए। ऐसे और बोलते, मजाक करते, गरीब की मजाक करते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, मजाक मतलब सीख जाएंगे लोग। अब ये बताओ कि अभी कितने आपके पास कितने झूले हैं यहाँ पे? मेरे पास साहब 1 4 सीटर छोटा, ये किस वो मारुति का झूला, इसे इधर दिखाओ, भाई झूला दिखाओ, मारुति का झूला दिखाओ इसे। और इधर जो जंपिंग है देखो, बच्चे जंपिंग कर रहे हैं, किस तरह बच्चे जंपिंग कर रहे हैं। ये मेरे छोटे छोटे बच्चे बैठे देखो, नीचे बैठे ये मेरे मैं घटना भाई, ये छोटे छोटे मेरे बच्चे बैठे। मनीष, ए मनीष देखो देखो, ये मेरे छोटे छोटे बच्चे, ये बच्चे। तो रहते कहाँ हो आप यहाँ पे? अब फिलहाल तो हम इसी जगह पड़े हैं। मतलब घर भी तो बनाया हुआ, झोपड़ी घर वर नहीं है, झोपड़ी थी लेकिन अभी निकलवा दे पता के। ये झोपड़ी तो हमने झुग्गी लगाई थी इधर। अच्छा, यहाँ लगाई थी बगल में झुग्गी जंपिंग के बगल में। अच्छा, तो ये माहौल देख के, भीड़ भड़क का देख के मैंने हटा दी। कैसे कि भाई झुग्गी है छोटी छोटी, टूट जाएगी, कोई चढ़ जाएगा घेर देंगे तोड़ देंगे, इसके लिए छोटी झुग्गी, इसके लिए खोल के रिक्शे में रख दी। तो ये जो आप मतलब आप कह रहे हो 3 महीने से यहाँ पे हो आप, तो इससे पहले आप कहाँ करते थे ये काम? झूले का काम करते थे कहाँ पे? इसके पहले गांव बस्ती में घूमते थे। कहाँ पे? गली मोहल्ले में घूमते, रोहतक में ही। हाँ। तो इसको फिर लेके कैसे आते हो यहाँ पे? पैदल पैदल। अब गाँव जहाँ से परचेज खरीद के लेके आए, वहाँ से कैसे लेके आए आप? गाँव वगैरह से कहाँ से लेके आए थे? वहाँ से तो हम पैदल ही चलते हैं। अच्छा, पैदल जहाँ भी मतलब रास्ते में मेला वगैरह दिखा तो वहीं पे मतलब अपना शो। भगवान ने पैर दिए, हाथ दिए, मुंह दिए, आंख दिए, पूछते पूछते भाई इधर कहीं मेला है कि? हाँ भाई, बाबा का मंदिर का मेला है। अच्छा, चलो भग के वहाँ। अच्छा, भग के वहाँ 1-2 दिन वहाँ चला लिया, वहाँ से चल के अगले गांव में, वहाँ से चल के इधर, इधर से इधर, ऐसे घूम के पेट गुजारा हो जाता है, किराए भाड़ा ही बचता है, बच्चे को खाना पीना मिल जाता, भंडारा पे से बच्चे खा लेते, हम भी खा लेते, खुश रहते भंडारे में, मस्ती सही मस्त, आराम से चैन की नींद सोते, कोई टेंशन नहीं। मेहनत से खाते, मेहनत से चलते, किसी से लड़ाई दंगा भी नहीं करते हम तो मेहनत से। ये हमारी स्पेशल गाड़ी है। अच्छा, इसमें बच्चे झूलते, ऐसे ऐसे भी करते, ऐसे ऐसे भी करते। अच्छा, इसमें बच्चे मजा आता है आपको बच्चों को देख के? बच्चे भी मजे करता तो मैं भी, हाँ झूलो बच्चे।
मैं ऐसे बच्चा। ये बताओ कि कितने आप शहरों में घूम लिए ऐसे? मैं यहाँ से कहाँ का घूम लिए, मतलब कहाँ कितने स्टेट? मैं इधर से आया हूँ अपने पीछे से झज्जर, झज्जर बेरी, झज्जर बेरी वाला मेला किया था आपने? हाँ। अच्छा, उसके बाद फारुकनगर गए थे? हाँ, फारुकनगर प्रसिद्ध है यहाँ से। उसके बाद यहाँ, उससे झज्जर से पहले कहाँ थे? गली मोहल्ले में, गली गांव में, तनानौर का मेले में गए गए थे। ये कुछ दिन पहले लगा था, शरादों में लगा था। गए थे आप गुरुद्वारे के बगल? गुरुद्वारे में बढ़िया खाना मिला गुरुद्वारे, मजे आ गए। दाल अलग, चावल अलग, ओहो रोटी अलग, पानी भी हुआ टॉप, और पंखे चलते, बड़ी चैन से नींद सोता गुरुद्वारे में। बच्चे मिलते हैं, दोस्ती बन गई मेरी। वहाँ कह रहे थे मुझे, अरे यार तू यहाँ लिया तेरा झूला मुख्य यार, मेरा छोटा झूला, इसके बड़े बड़े झूले के आगे मेरे छोटे झूले कहाँ चलेंगे। अब ये अब बड़े झूले वाले चलो 50 में 100 में चला जाओ तो मैं 20 रुपये में चला लूँगा, अब ये चलाते 10-10 रुपये में झूले वाले। हाँ, बड़े तो बड़े झूले। आपने सोचा है कि इससे बड़ा झूला लेने के लिए? तो मैंने ही सोचा कि इससे थोड़ा कोई बड़ा झूला मिल जाए मुझे, ज़्यादा बड़ा भी नहीं और ज़्यादा हल्का भी नहीं। कितने प्रकार के झूले आते हैं आपके इसमें? इसमें कई प्रकार के झूले आते हैं, हवाई जहाज का अलग आता है। हाँ, हवाई जहाज देखा है मैंने। देखा है ना, वो ऐसे ज़्यादा लंबी सी चोंच होगी, इतने पंख होंगे, पूंछ वाला होगा, वो होते हैं, और एक चक्री होती है मारुति की। तो सबसे ज़्यादा फायदा कौन सा झूला देता है आपको? सबसे बढ़िया फायदा उसमें होता है वो जो घूम रहा है। हाँ, गोल वाला, कैसे कि ये चीज कहीं नहीं टूट सकती है। गली मोहल्ले में कोई कहता है, अंकल कितने में झुलाते हो? बेटे 20 रुपये। अरे अंकल 10 रुपये। चलो बेटा बैठो। अच्छा। हम तो वो बंदे हैं, 10 में आ गया तो भले, 20 में आ गया तो भले। भूखी लगी तो हर कोई से, बहन जी थोड़ा खाना मिलेगा? अरे भैया लाती हूँ, पानी मिलेगा? वहाँ वहाँ पानी रोटी खा पी कर आराम से गली मोहल्ले में घूम के शाम को अपने घर बच्चों के पास। तो दोस्तों, ये था हमारा दशहरे का छोटा सा टूर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें अपनी राय, आप आगे क्या वीडियो देखना चाहते हैं। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।